So in previous class, we have started the applications of Laplace transform, and we have seen the circuit element models and steps to calculate the final answer of the circuit, how we will be applying the Laplace transform and inverse Laplace to a given circuit. ओके ये हमने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर, कैसे हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू, अगर इनिशियल फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यूज दे रखी हैं तो उसको हम कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की की एप्लीकेशन से हम डायरेक्ट उसको सर्किट में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन थी, ये देखो टाइम डोमेन में शो नहीं हो रही, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सपोज इनिशियल कंडीशन मेरी इंडक्टर के थ्रू क्या होती है, I0 माइनस इनिशियल करंट होता है, तो उसको देखो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले सर्किट के अंदर इनिशियल कंडीशन यहाँ पे शो हो गई। सिमिलरली वोल्टेज में वोल्टेज सोर्स होती है तो वहां पे ये शो हो गई। ये हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, कैसे हम एक इंडक्टर को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज कर सकते हैं और कैपेसिटर को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो एज इट इज रहता है। ओके तो ये हम देख चुके हैं। ओके वन सेकेंड। ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज सर्किट एनालिसिस। ओके अब सर्किट एनालिसिस में हम देख चुके हैं, सर्किट एनालिसिस का मतलब वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैलकुलेट दी आउटपुट वोल्टेज ओके अक्रॉस कैपेसिटर, और कुछ भी करंट निकलवा सकता है। ठीक है, ये हमने टाइम डोमेन में पढ़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। थेवेनिन थ्योरम निकाल सकता है कोई भी सर्किट को एनालाइज करने के लिए। अब हम ये देखते हैं, और इनिशियल और फाइनल कंडीशन दे रखी है, इनिशियल कंडीशंस दे रखी है, तो आप तो ये सोच के सोचो कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर अगर आपका सर्किट बनता है, इंडक्टर और कैपेसिटर दे रखे हैं, तो आप अभी वो जो मेथड्स मैंने पढ़ाए हैं उनको आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो अगर किसी को आसान लगते हैं कि भी आपके फर्स्ट ऑर्डर और अंडर डैम्ड ओवर डैम्ड और इनिशियल कंडीशंस लगा के ट्रांजिएंट अलग निकालो, स्टेडी स्टेट अलग निकालो, अगर वो याद रखना है तो अच्छी बात है, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप ये टेबल याद रखिए और लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद रखिए। ठीक है, उससे सारा सॉल्व हो जाता है, वो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इससे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट आपका बच जाएगा और आप मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व होती है वो उससे बच जाओगे उसमें। ठीक है, तो सर्किट एनालिसिस में सबसे पहले बात सिंपल ये है कि आपको क्या करना है, सिंपल वो जो सर्किट है उसको एस डोमेन में कन्वर्ट करना है, और जो आपको क्वेश्चन में पूछा है वो कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको फिगर ए में, वोल्टेज है VST 10/3 ओम, 5 हेनरी इंडक्टर है और 0.1 फेराड आपका कैपेसिटर है। इसने क्या पूछा है, कंसिडर फाइंड द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी ये पूछी है इसने। ठीक है, कब, जब VST की वैल्यू है 10 UT, 10 UT, 10 UT, अब तो आपको याद होना चाहिए 10 UT का मतलब ये कॉन्स्टेंट, ये 10 मैग्नीट्यूड है मेरा, टी लेस देन 0 पे कुछ नहीं है बट टी ग्रेटर देन 0 पे 10 पे चल रहा जा रहा। एंड अज्यूम दैट एट टी इज इक्वल टू 0, -1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द इंडक्टर, -1, ये डायरेक्शन मानी हमने 1 एम्पियर, तो नीचे के -1 ले लिया हमने इसको। ओके इसी डायरेक्शन में -1 में अगर डायरेक्शन उल्टा लेता हूं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं ऊपर की तरफ कहता हूं तो ये मैं 1 एम्पियर लूंगा। ओके ये छोटी छोटी चीजें, डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना। ओके +1 एम्पियर ऊपर की तरफ या फिर -1 एम्पियर नीचे की तरफ, नीचे क्यों लिया गया, देखो प्लस साइन ये करंट की तरफ फ्लो करवाना चाहेगा, नीचे की तरफ ही करवाना चाहेगा। ओके मतलब इनिशियली इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो -1 एम्पियर है, एज वेल एज +5 वोल्टेज इज अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी +5 वोल्ट वो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। ओके तो अब इसको आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से करो, इसकी इक्वेशन निकालोगे, वी ऑफ टी निकालोगे, बहुत लंबा तरीका है। इससे बेस्ट तरीका है कि आप इसको सीधा लाप्लास डोमेन के अंदर एस डोमेन में कन्वर्ट कर दो। तो देखो VST क्या है आपका, 10 UT है, 10 UT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 10/S, सिंपल देखो 10/S लिख दिया। ओके रेजिस्टेंस एज इट इज। अब इंडक्टर और कैपेसिटर अगर आपको याद होगा तो मैं याद दिला देता हूं, इंडक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हो कैसे, एक तो इंडक्टर आएगा ओके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5S, ओके और सीरीज में एक वोल्टेज सर जुड़ जाएगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, जिस डायरेक्शन के अंदर ये करंट की तरफ फ्लो करा रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे डायरेक्शन में वो करंट सपोर्ट करेगा, ये -1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I0,
माइनस इनटू एल, अगर याद हो तो आपको, है ना। ये देखो इसी, सॉरी ये रहा, याद आ रहा है। ओके तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। आई जीरो की वैल्यू आपको पता है कहाँ है, -1। ध्यान रखने वाली चीज है, आई जीरो की वैल्यू -1 है, ठीक है। या फिर इसको आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो, ये आपका वोल्टेज फॉर्म में इसको करंट डोमेन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये सोर्स ट्रांसफॉर्म में से। एक चीज याद रखो आप, दो दो चीज याद मत रखो, जैसे ये वाला सर्किट याद रखो बस। तो इससे आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, ये इम्पीडेंस पैरेलल में आ जाएगी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स क्या बन जाएगी, करंट सोर्स। सिमिलरली हम इसमें ये भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, इंडक्टर तो आपका कहाँ आ गया, सीरीज में फाइव एस, और यहाँ पे एक करंट सोर्स आ जाएगी, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन जेड। वी कितना है ये, इसको जेड से मतलब फाइव एस, 5/s से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो फाइव बेसिकली क्या है, एल ही तो है, और एल की वैल्यू फाइव है, तो एल से एल ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आई जीरो बाई एस। तो देखो इसने करंट सोर्स वाला में कन्वर्ट किया है। ओके दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट। तो अगर आप वोल्टेज सोर्स भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सर्किट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसा आपको आसान लगे, जिसमें आप नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस आसानी से लगा सकते हो, वैसे फॉर्म में आप ले लीजिए। और कैपेसिटर, अब कैपेसिटर है ओके, इसके क्रॉस प्लस माइनस वोल्टेज है, तो अब ये एस डोमेन में कैसे चेंज हो जाएगा, एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू क्या होगी, अगर याद है आपको तो सी आपका 1/sc, 1/sc, ठीक है। 1/sc क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू है, सी की वैल्यू 0.1 है, तो इसको 10/s भी लिख सकता हूं, देखो 10/s। और सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स, अब ये क्या होती है, ये प्लस माइनस है, तो ये इसको अपोज करेगी, तो प्लस माइनस ऐसा आना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, VC0/s। ये हम प्रीवियस क्लास से पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आदत हो जाएगी, बस ये दो चीज ही तो याद रखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्किट बना है दिस वन, ये टाइम डोमेन से हमने एस डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। अब एस डोमेन में आराम से कर, मुझे किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, कैपेसिटर के अक्रॉस, तो मैंने टाइम डोमेन में वी वन वोल्टेज, नोड वोल्टेज ले ली। अब ये वी वन वोल्टेज ही किसके अक्रॉस है, कैपेसिटर के अक्रॉस, तो इनडायरेक्टली मुझे क्या निकालना है, वी वन निकालनी है। ओके सो वी वन मैंने यहाँ पे पुट किया, अब ये एस डोमेन में, तो आप यहाँ पे क्या लगाना है, आपको केसीएल लगाना है। तो देखो ये केसीएल नोडल एनालिसिस की इक्वेशन है, अगर मैंने करंट बाहर की तरफ माना है सारा, लेट मी अज्यूम दिस, सो दिस करंट विल बी इक्वल टू वी वन माइनस 10/s अपॉन 10/3 सी। अब दूसरा ये नीचे जा रहा होगा आपका, ये होगा ये भी नोड वोल्टेज कितनी है, वी वन ही तो है, वी वन, और इस ये ग्राउंड वोल्टेज 0, वी वन माइनस 0/5/s सी, और ये तो करंट सोर्स है ही, कितनी है, आई 0/s। ओके दूसरा ये वाला होगा वी वन माइनस वी 0/s डिवाइडेड बाई 10/s, वही लिखा है इसने। ओके अब आई जीरो की वैल्यू कितनी है, हमें जानते हैं -1, वी जीरो की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, वो पुट करिए, एस डोमेन में पूरी इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो वी वन इज इक्वल टू समथिंग, इस फॉर्म में आप रीअरेंज करोगे, अब मैथमेटिक्स बचिए बस। अब इसको क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन से, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर लोगे इस टेबल को देखते हुए, दिस टेबल। ओके तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, अब हमें इसका इन्वर्स लेना, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन के अंदर अगर उसने टाइम डोमेन में दिया है, जब तक ये कहा नहीं जाए, तो हमें आंसर भी टाइम डोमेन में ही निकालना है, ये ध्यान रखना है, एस डोमेन में छोड़ना नहीं है। तो लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास दोनों आने चाहिए। तो अब इसका हम क्या लेंगे, इन्वर्स लाप्लास, ये वी वन कैपिटल है, स्मॉल वी वन टी टाइम डोमेन में क्या हो जाएगा, आप जानते हो 35 तो कॉन्स्टेंट है, 1/s+1, फिर से 1/s+1, ये री ई की पावर -80, ए क्या है हमारा 1, बस e की पावर -t c, सिमिलरली e की पावर -2t, और u ऑफ t तो बाद में आता है, ये बार u ऑफ t किसको रिप्रेजेंट करना है, कर रहा है कि ये t ग्रेटर देन 0 के लिए है पूरी की पूरी। ओके दिस हाउ यू कैन अप एनालाइज ए गिवन सर्किट, ठीक है। तो आप जितने एग्जांपल करोगे उतने मतलब आपको बेसिकली टिप्स पे हो जाएगा कि कैसे मैं फटाफट इंडक्टर को किसमें कन्वर्ट करूं, लाप्लास डोमेन के अंदर, एस डोमेन के अंदर कैसे कैपेसिटर को करेंगे, और फिर सिंपल जितने भी लॉज हैं, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, आपके सारे के सारे एप्लीकेबल हैं इस एस डोमेन पे भी, सबसे अच्छी बात ये, ठीक है। और दूसरी आपकी इक्वेशन सिंपल एलजेब्रिक बनती है, कॉम्प्लेक्स आती नहीं है, ना साइन फॉर्म में आती है, ना एस डोमेन में आती है, क्यों, क्योंकि आपने सारे सारे जो ये एक्सपोनेंशियल साइन डोमेन इन सबको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एलजेब्रिक में, विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, ओके, नाउ फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, ये वाला सर्किट है, पुराना सर्किट ही ले रहे हैं हम, ओके, प्रीवियस एग्जाम्पल का ही सर्किट ले रहे हैं, बट इसी सर्किट को मुझे अब सुपर पोजिशन, आप देखते हैं सुपर पोजिशन लगता है कि नहीं, ठीक है, ये वाला सर्किट है, इसी सर्किट को हमको सुपर पोजिशन थ्योरम से सॉल्व करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, फिर से एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, तो एस डोमेन में हमारा कन्वर्ट किया हुआ है। अब देखो, अब इस एस डोमेन में हमारा कन्वर्ट किया हुआ है, तो सुपर पोजिशन थ्योरम से मुझे क्या निकालना है, V1 की वैल्यू निकालनी है, तो V1 की वैल्यू निकालनी है सुपर पोजिशन थ्योरम से, और मेरे पास कितनी सोर्सेस हैं, तीन, एक दो तीन, और सारी की सारी इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं कर रही, 10/S है ये I0/S है, V0/S है, किसी पे डिपेंड, अगर यहां पे मैं कोई कहता डिपेंडेंट तब कहलाती जब ये वन आपका IX करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर सपोज, और ये इस पे डिपेंड करती IX इनटू, तो अब तो तीनों की तीनों क्या है मेरी डिपेंडेंट्स इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, तो अब मुझे तीन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, हर एक का सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, हर एक अलग अलग एक्ट करेगा, तो सबसे पहले सपोज मैं एक्ट करवा रहा हूं इसको 10/S को, बाकी क्या हो जाएंगे, करंट सोर्स है ये क्या हो जाएगी ओपन सर्किट, इसको हटा दो, ये क्या हो जाएगा वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट, मतलब इसको जीरो पुट कर दो, ये जीरो करंट जा रहा है, तो देखो ये सर्किट बना हमारा जब मेरी 10/S एक्टिव थी, देखो ये जीरो का मतलब करंट जीरो मतलब ये ओपन सर्किट है, और वोल्टेज जीरो मतलब ये शॉर्ट सर्किट है, सीधी सी बात है, बस अब आपको क्या करना है, फिर से नोडल लगाना है, नोडल लगाओगे V1 -10/S/10/3 सी, V1 -0/5/S, ये इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, तो उसने जीरो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, V1 -0 वोल्टेज है, फिर /10/S, इससे वोल्टेज क्या आ जाएगी V1, V1 के फॉर्म में इक्वेशन डेवलप हो जाएगी, देखो, और वही सेम पार्शियल फ्रैक्शन करके इनवर्स V1T आ गया अब आपका, ओके V1T आया, ये V1T किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, सिमिलरली अब हम कौन सा कंसीडर करेंगे, ये सी सेकेंड बी सर्किट देखिए, I0/S कंसीडर किया है, ये दोनों जीरो जीरो जीरो, या फिर इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, वही याद रखो आप, जीरो जीरो छोड़ो, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, अब इस ये V2T हो जाएगी किसकी वजह से, इसकी, सिमिलरली सेम वही, फिर थर्ड V3T, वो 3T किसकी वजह से होगी, इस वाले सोर्स की वजह से, देखो V0/S, तो ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, V3T इससे निकाल लो, ठीक है, अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, V1 + V2 + V3 इज द फाइनल वोल्टेज, तो तीनों को ऐड करो, क्या आया तीनों को ऐड करो तो ये आया, देख लो सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है, ओके, तो हमने देखा कि एस डोमेन के अंदर हम सुपरपोजिशन थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके, बट जब तक कहाँ नहीं गए तो आप ये डायरेक्ट ये वाला सॉल्व करो, क्योंकि एक ही स्टेप में सॉल्व हो रहा है, ठीक है, आप बार बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म दो तीन बार क्यों करो जब एक बार में आंसर आ रहा है, तो ये तो हमारे क्वेश्चन में पूछा था, आपको एप्लीकेशन बतानी थी कि सुपरपोजिशन थ्योरम जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाए कि कैलकुलेट दिस वी नोट एस, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, बट अगर एग्जाम में कह दिए सुपरपोजिशन थ्योरम यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम ही यूज करके आंसर निकालना है, ओके, लेट्स टेक वन मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल ऑफ थेवेनिन थ्योरम, ठीक है, दिस इज द सर्किट, ये आपको दिख रहा होगा, IS है, अब इसमें डिपेंडेंट सोर्स है 2IX, IX 2IX किस पे डिपेंड कर रहा है, इस IX करंट 2 हेनरी इंडक्टर के अक्रॉस के थ्रू जो करंट है, ओके, सो अज्यूम देयर इज नो इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी मतलब सीधी सी बात है, जब आप इनिशियल एनर्जी का मतलब इंडक्टर के थ्रू कोई करंट नहीं है और कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं इनिशियली, तब तो आपको झंझट की जरूरत ही नहीं है, तब आप क्या कर दो करोगे इस पूरे सर्किट को लाप्लास डोमेन एस डोमेन में अगर आप चेंज करते हो, तो ये एज इट इज ये क्या बन जाएगा 2S, और ये बन जाएगा 1/5S, सॉरी कैपेसिटर है नहीं, सॉरी ये बनेगा, सॉरी कैपेसिटर है नहीं, आपका रेजिस्टेंस ही है, तो इंडक्टर है, तो इंडक्टर में हम प्रीवियस क्लास में देखा था कि भाई जब भी ये इनिशियल कंडीशंस नहीं है तो सिंपल R R हो जाएगा, L S L हो जाएगा, C 1/SC हो जाएगा, जब इनिशियल कंडीशंस नहीं है, तो इनिशियल कंडीशन है तब हमें वोल्टेज सोर्स लगानी है, करंट सोर्स लगानी पड़ती है, ओके, सो इनिशियल कंडीशंस नहीं है तो, और दूसरा क्या पूछा इसने, एट टी इजिकल टू एंड IS इज 10 UT, IS की वैल्यू दे रखी है 10 UT, फाइंड वी नॉट एस यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, वी नॉट एस निकालना है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम,
तो थेवनिन थ्योरम क्या करता है, जिसके अक्रॉस भी वोल्टेज निकालनी है उसको हम क्या करेंगे, वी नॉट एस निकालना है मुझे, मतलब इस सर्किट को किसमें चेंज करना है। सपोज दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज बी टर्मिनल, तो ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, तो मुझे एक क्या चाहिए, आरटीएच चाहिए यहाँ पे, जेडटी चाहिए, और एक थेवनिन वोल्टेज चाहिए वीटीएच। ठीक है, जब ये वीटीएच आ जाएगा, आरटीएच आ जाएगा, और इसके अक्रॉस ये 5 वोल्ट है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल से आप निकाल सकते हो। तो मुझे इनडायरेक्टली वीटीएच निकालनी है और आरटीएच निकालनी है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, वीटीएच निकालने का तो एक ही तरीका है कि जिसके अक्रॉस भी वीटीएच निकालनी है आप क्या करोगे, उसको ओपन सर्किट कर दोगे, तो इसको ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये सर्किट बना, जैसे ही मैंने वीटीएच निकाला ये सर्किट बना, और इसको वीटीएच ओपन सर्किट करके मैंने किस में चेंज कर दिया, एस डोमेन में चेंज कर रहा हूं मैं, एस डोमेन में आसान रहता है इसलिए। ठीक है, इस पूरे सर्किट को पहले एस डोमेन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये ओपन सर्किट हो गया, ये वीटीएच एस डोमेन में है, टू आई एक्स एज इट इज रहेगा, टू आई एक्स, आई एस, आई एस की वैल्यू क्या है, 10 UT, 10 UT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 10/S, ये रहा, 5 ओम है एज इट इज रहेगा, बस ये इंडक्टर था, ये क्या बन जाता है एस एल, एस आ गया और एल की वैल्यू 2, तो 2S, बस खत्म, ये आई एक्स, मुझे वीटीएच निकालना है। सो वीटीएच, व्हाट विल बी द वीटीएच, वीटीएच विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस। अब मुझे बताओ आई एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब ये मैंने ओपन सर्किट कर दिया तो आई एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट जाएगा ही नहीं, तो आई एक्स की वैल्यू 0 हो गई जब मैं वीटीएच निकाल रहा हूं, तो ये 2 IX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस, वोल्टेज सोर्स 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट। ओके, तो मेरे पास क्या बचा, 5 ओम, तो वीटीएच मेरी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 5। अब इसके अंदर मुझे करंट निकालना है, तो करंट कितना जा रहा है, देखो 10/S आ रहा है यहां से, सारा का सारा कहां जाएगा, इसी में तो जाएगा, क्योंकि आगे तो ओपन सर्किट है, तो वोल्टेज वीटीएच की वैल्यू क्या होगी, 10/S × 5, सी 50/S हो चुका मेरा वीओसी। ओके, नाउ मुझे क्या चाहिए, ZTH चाहिए, RTH। तो एक तरीका ये है कि आप 1 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दो, और आप ZTH निकाल लो, और I नॉट करंट फ्लो करवाओ, और उसकी वजह से 1/I0 निकालो। ये हम देख चुके हैं, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट दी थेवनिन रेजिस्टेंस व्हेन डिपेंडेंट सोर्स इज देयर इन अ सर्किट। ठीक है, दूसरा तरीका है आप ISC निकाल लो, ISC शॉर्ट सर्किट, और VOC तो आ ही गया, तो VOC डिवाइड बाय ISC वो हमारा क्या होता है, थेवनिन इम्पिडेंस ही होता है, या थेवनिन रेजिस्टेंस ही होता है। ओके, तो हम ISC वाला मेथड करते हैं, ISC में हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये रहा शॉर्ट सर्किट कर दिया, और इसके थ्रू मुझे करंट निकालना है, ISC ही क्या बन गया मेरा, IXC, दिस इज द सर्किट फॉर कैलकुलेटिंग दी ISC। अब देखो ये सर्किट बन गया, और मैंने इस नोड वोल्टेज को V1 ले लिया, IX विल बी इक्वल टू ISC। ओके, अब ये ISC हो गया, और ये मेरी V1 वोल्टेज है, V1 वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस 2S। ओके, तो ये रिलेशन भी हो सकता है, IX या फिर ISC को मैं लिख सकता हूँ V1/2S, ऐसे लिख सकते हैं, IX इज इक्वल टू ISC, ये करंट, हाई वोल्टेज कितनी है V1, लो वोल्टेज कितनी है कि 0, V1 − 0 / इम्पिडेंस कितनी है 2S, तो मैं लिख सकता हूँ IX इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू V1/2S, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, अब मुझे सिंपल क्या लगाना है, सिंपल ये सर्किट आप बेसिक्स बचा, अब तो एस डोमेन में करने के बाद में आप नोडल एनालिसिस निकालना जानते हो V1, तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा लो, दैट विल बी इक्वल टू, ये करंट अंदर जा रहा है, -10/S। ओके, मैंने बाहर की तरफ पॉजिटिव माना है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू V1 − 2 IX / 5, ये रहा V1 − 0/2S, और IX की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, V1/2S IX की जगह, बस। तो पूरी पूरी इक्वेशन किसमें बन गई, वोल्टेज के डोमेन में। ओके, अब V1 आ गया, मुझे ISC चाहिए, तो ISC क्या होता है, V1/2S, तो ISC के फॉर्म आ गया। अब मुझे ZTH चाहिए, तो ZTH इज नथिंग बट VOC/ISC, ये तो ZTH है बस, तो वो आ गया 2S+3। तो देखो ये मैंने पूरा सर्किट किसमें चेंज कर दिया, मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट में, VTH की वैल्यू 50/S, ZTH की वैल्यू 2S+3, और ये 5S। अब V0 निकल जाएगा वोल्टेज डिवीजन रूल से, निकाल लो भाई, V0 विल बी इक्वल टू VTH इनटू 5 ओम अपॉन 5 ओम प्लस ZTH।
ये लिखा है देखो, तो फाइनली मेरे पास वी नॉट आ गया 125 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 4। ओके, तो इसने फाइंड वी नॉट एस बोला है। देखो वी नॉट एस, ध्यान रखना वी नॉट एस का मतलब एस डोमेन में वही निकालना है, ए पार्ट में मैंने निकाल दिया। अगर ये मुझे वी नॉट टी बोलता तब मैं इसका क्या करता, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसने बोलता है, बोला है डिटरमाइन दी वी नॉट सी सेक्शन में, चलो सी पार्ट वाला पहला कर लेते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना, इसी इक्वेशन को पार्शियल फ्रैक्शन करना है ए बाई एस बी, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। बस इसका इन्वर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, 31.25 वन अपॉन एस का यू ऑफ टी होता है, ठीक है, 31.25 वन अपॉन एस प्लस का ई की पावर -40, ये रहा यू ऑफ टी बाहर रह जाएगा। दिस इज दी वोल्टेज अक्रॉस दी दिस रेजिस्टेंस इन टाइम डोमेन। ओके, अब बी पार्ट में इसने क्या बोला है, देखो अप्लाई दी इनिशियल एंड फाइनल थ्योरम टू फाइंड वी जीरो प्लस एंड वी जीरो इनफाइनाइट। ओके, ये बोला है इसने, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालने के लिए। अब फाइनल इनिशियल फाइनल वैल्यू थ्योरम आपको याद होगा क्या होगा, लाप्लास डोमेन में क्या होता है, एस ऑफ एफ ऑफ एस। अगर कोई एफ ऑफ एस फंक्शन है उसका अगर इनिशियल वैल्यू निकालनी है उसको एस से मल्टीप्लाई करो और लिमिट क्या पुट करो, इनिशियल वैल्यू मतलब टी इज इक्वल टू जीरो बट एस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर फाइनल वैल्यू निकालनी है तो एस की वैल्यू क्या रखोगे, जीरो, क्योंकि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। अगर जब टी जीरो होता है तो एस इनफाइनाइट होता है, ये देख चुके हम प्रीवियस क्लास के अंदर। ओके, तो देखो इनिशियल हम एस डोमेन में निकालते हैं, फिर टाइम डोमेन में भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो एस डोमेन में हम इस इक्वेशन, यही तो है मेरा एफ ऑफ एस, इसकी तो हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है, तो एस से मल्टीप्लाई करोगे तो एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास 120 बाई एस प्लस 4 बनेगा। और एस की वैल्यू मेरे को इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो एस की वैल्यू क्या रखोगे आप, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आप पुट करोगे तो देखो यहाँ पे अगर इनफाइनाइट पुट करते हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को बाय इनफाइनाइट बाय एस से डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे, तो ये बन जाएगा 4 बाय एस इनफाइनाइट जीरो, ये भी जीरो, यानी इनिशियल वैल्यू क्या है मेरी, जीरो। फाइनल वैल्यू के लिए एस की वैल्यू क्या पुट करते हो, जीरो, तो एस की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करो तो 120 बाय 4 कितना आएगा, 31.25। ठीक है, तो अब इसके अंदर इस इक्वेशन को देखिए फाइनल वाली इक्वेशन को, अगर टाइम डोमेन में मुझे निकालना हो इसकी, टाइम डोमेन में इसके अंदर टी इज इक्वल टू जीरो पुट करिए। जैसे टी इज इक्वल टू जीरो पुट किया मैंने इनिशियल वैल्यू के लिए, ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन, और वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू 31.25 क्या होता है, जीरो। तो वी नॉट टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, वही आ रही है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू इनिशियल चाहे आप वैल्यू लाप्लास एस डोमेन में निकालो चाहे आप टाइम डोमेन में निकालो, सेम आनी चाहिए। सिमिलरली हम फाइनल वैल्यू देख लेते हैं इसकी, 31.25 है, इसकी आ रही है कि नहीं। फाइनल वैल्यू के लिए टी की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पुट करो, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, ये तो हट गया, अंदर क्या बचा फिर 31.25 इंटू 1, बस यही तो आ रही थी। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर फंक्शन। ये आप एक ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, क्यों काम में आता है, तो मैं आपको आइडिया बता दूंगा, बाकी डिटेल में आपके एक पूरा चैप्टर आएगा इसके, पूरा एक सब्जेक्ट आएगा, सॉरी, कंट्रोल सिस्टम इन फिफ्थ सेमेस्टर, एक कंट्रोल सिस्टम, उसमें आप हर चैप्टर में ट्रांसफर फंक्शन के को ही डील करोगे। ठीक है, बट ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है मैं आप बताता हूँ सिंपल। ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली एक की कॉन्सेप्ट है सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। मतलब आप सपोज एक मेरे पास एक नेटवर्क है, उसमें आपने इनपुट दिया, इनपुट आई, और ये आउटपुट, ओके, आउटपुट। अब ये आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे, ठीक है, बट ये तो डिपेंड कर रहा है, बट ये साथ में कौन से किस नेटवर्क से गुजर रहा है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये नेटवर्क को बेसिकली प्रॉपर्टी कौन बताता है, प्रॉपर्टी बेसिकली नेटवर्क की प्रॉपर्टी बताता है ट्रांसफर फंक्शन। सो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, बस ये समझ लो। अगर आपको कोई पूछे कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस नेटवर्क, आपको कुछ नहीं करना है, आउटपुट इट मे बी आउटपुट वोल्टेज, इट मे बी आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। ओके, ये बेसिकली फंक्शन जो ये है ट्रांसफर फंक्शन, इस नेटवर्क की प्रॉपर्टी को बताता है कि भाई इसके अंदर आपने जो इनपुट दिया ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या था प्रॉपर्टी जिसने इस इनपुट को इस आउटपुट में चेंज कर दिया। ठीक है, सो इट बेसिकली आप इसको एस डोमेन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी कैलकुलेट कर सकते हो।
तो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने पूछा किसमें। सबसे बेस्ट अगर नहीं है तो आप एस डोमेन में ही करो, तो ट्रांसफर फंक्शन एस डोमेन में बहुत ईजी होता है, ठीक है। सो द ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट रेस्पॉन्स वाई बाई एस डिवाइडेड बाई टू द इनपुट एक्साइटेशन एक्स ऑफ एस, अज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशन आर जीरो। ये ध्यान रखने वाली चीज है, इनिशियल कंडीशन मैंने नहीं मानी है, ओके। सो अब ट्रांस फंक्शन बहुत तरीके हो सकते हैं। अगर मेरा आउटपुट मैं वोल्टेज ले रहा हूँ और इनपुट वोल्टेज ले रहा हूँ, तो ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा वोल्टेज गेन, ओके। अगर आउटपुट करंट ले रहा हूँ और इनपुट भी करंट ले रहा हूँ, तो मेरा करंट गेन। अगर आउटपुट मेरा जो आउटपुट है वो मैं आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में ले रहा हूँ बट इनपुट इज माई करंट, तो वी बाई आई एस क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस। सिमिलरली अगर आउटपुट करंट ले रहा हूँ और इनपुट में वोल्टेज ले रहा हूँ, दैट विल बिकम एडमिटेंस, ओके। सो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इज ऑफ फोर टाइप्स, इट मे बी वोल्टेज गेन, इट मे बी करंट गेन, और इम्पिडेंस और एडमिटेंस। तो अगर आपको वो क्वेश्चन में गुमराह भी कर सकता है, ये भी बोल सकता है कि ट्रांसफर फंक्शन ना कैलकुलेट करके वो बोले, इनडायरेक्ट में बोले कैलकुलेट द वोल्टेज गेन ऑफ द नेटवर्क। वोल्टेज गेन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन वी इनपुट, या पूछे करंट गेन निकालो, है कैसे भी कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल ध्यान रखना है, ट्रांस फंक्शन बेसिकली आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज होता है, इनपुट सॉरी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ट्रांसफर फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन ओमेगा, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर एस डोमेन है, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व एस डोमेन में करो, और जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में पूछे तो एस की जगह आप क्या पुट कर दो, जे ओमेगा, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। नाउ वही सेम, अगर हम ट्रांसफर फंक्शन अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइन करना चाहे तो कुछ नहीं है, वही होगा, लीनियर नेटवर्क है। आउटपुट क्या होगा इसका, वाई, इनपुट एक्स होगा, बट ये किसमें है, एस की जगह फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। सो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सर्किट इज द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेशियो ऑफ फेजर आउटपुट वाई डिवाइडेड बाई टू द फेजर इनपुट एक्स डब्ल्यू। सिमिलरली सेम है, तो एच डब्ल्यू वाई बाय एक्स सेम रेशियो, बट ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है बस, और अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन। और वही सेम चीजें देखो, ये वाली और ये वाली सेम है, ये एस डोमेन में, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, कोई ज्यादा झंझट ही नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन में पूछे, आप तो सिंपल एस डोमेन में सॉल्व करो, और फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए पूछ रहा है तो एस की जगह आप वैल्यू क्या पुट कर दो, जे ओमेगा, और कुछ नहीं करना, ओके। अब दूसरा एक और क्वांटिटी में डिफाइन करने जा रहा हूं, पोल्स और जीरो। ये पोल्स और जीरो के बाद में आप यू विल बी डीलिंग इन कंट्रोल सिस्टम। पोल और जीरो क्या होता है, देखो, अब इसको मैंने आउटपुट अपॉन इनपुट को मैंने बेसिकली कह दिया, ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ओके। अब न्यूमरेटर के कुछ ना कुछ रूट्स आएंगे, सपोज मेरे पास एस प्लस टू है और एस प्लस थ्री है, ये इक्वेशन आती है सपोज फॉर एग्जाम्पल, और नीचे आती है एस प्लस सिक्स फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन आया, ओके। सो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। सो द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, ओके, द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर आर कॉल्ड जीरोस, ध्यान रखना, जीरोस, और रूट ऑफ डिनोमिनेटर आर कॉल्ड पोल्स। क्यों भाई, इसको जीरोस क्यों कहते हैं? जीरो वो होता है जो उस पूरे ट्रांसफर फंक्शन को जीरो कह दे। जैसे इसके रूट्स क्या होंगे, अगर इसको मैं जीरो पुट करता हूं, एस प्लस टू और एस प्लस थ्री के रूट्स निकालने, तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस टू और माइनस थ्री, दीज आर माई जीरो। जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाई अ जीरो ओनली सिंबल, और पोल्स क्या होंगे, दीज आर कॉल्ड जीरोस, ओके। सो पोल्स क्या है, पोल्स आर द रूट्स ऑफ बेसिकली डिनोमिनेटर। तो इसका रूट्स क्या होगा, एस प्लस सिक्स को जीरो पुट किया तो एस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स। तो मेरे पास पोल्स तो जीरोस कितने हैं, दो, पोल कितना है, एक। पोल्स आर दी बेसिकली रूट्स एट विच द ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट। कैसे, देखो, माइनस टू या माइनस थ्री वैल्यू पुट करो इस पूरी इक्वेशन के अंदर, माइनस टू पुट करोगे तो माइनस टू प्लस टू कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो इंटू समथिंग कुछ भी हो, जीरो ही आएगा, ठीक है। अब माइनस थ्री पुट करो तो भी जीरो आएगा ट्रांसफर फंक्शन, बट अगर आप माइनस सिक्स ने पुट किया, आपने माइनस सिक्स पुट किया, इनकी तो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। यहाँ पे माइनस सिक्स पुट करो, माइनस सिक्स प्लस सिक्स क्या हो जाएगा, जीरो। वन अपॉन जीरो विल बिकम इनफाइनाइट, ओके। सो आई एम डिफाइनिंग अनदर क्वांटिटी, द रूट्स एन डब्ल्यू ऑफ इज इक्वल टू जीरो न्यूमिनेटर के आर कॉल्ड जीरोज एंड यूजली रिप्रेजेंटेड एज जेड वन जेड टू जेड टू।
z1 z2 z3 n. सो सिमिलरली पोल्स क्या होंगे डिनोमिनेटर के p1 p2 p3. तो आपको जीरोस और पोल्स निकालने के लिए आ रहे, तो कुछ नहीं है ट्रांसफर फंक्शन में, ऊपर वाले क्वांटिटी के जो रूट्स हैं इसको जीरो पुट कर दो और जो भी रूट्स आए s की वैल्यू आए दैट आर माई जीरोस, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो पुट करके निकालो और s के जो रूट्स आए s की वैल्यू जो आए वो दैट आर माई पोल्स. ओके, सो अ जीरो एज ए रूट ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू दैट रिजल्ट इन अ जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन. जीरो वैल्यू कर रहा है. अ पोल एज अ रूट ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इज इनफाइनाइट. ओके, अगर इसको अगर एस प्लेन में अगर हम रिप्रेजेंट करें, एस प्लेन होता है बेसिकली इमेजिनरी एस और ये सिग्मा, दिस इज माई रियल एक्सिस, दिस इज माई इमेजिनरी एक्सिस. सपोज ये मेरा प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, ये कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़ोगे, दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये एक्स वाई एक्सिस ही मान लो इसको, ठीक है, बस एस डोमेन में है, ये एस प्लेन है. ओके, बिकॉज हमने पढ़ा है एस इज नथिंग बट सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और हम यहाँ पे रियल पार्ट को जीरो पुट करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहते हैं, तो एस की वैल्यू हम जे ओमेगा ही पुट कर देते हैं. चलो, तो मेरे पास रूट्स कितने हैं, कितने जीरोज हैं, दो हैं, एस प्लस टू और एस प्लस थ्री है. चलो नया ले लें, इक्वेशन ले लेते हैं हम, एस प्लस वन एस प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय एस प्लस थ्री का स्क्वायर फॉर एग्जांपल. ओके, सो जीरोस कितने हैं, दो. पोल्स कितने, दो हैं, क्योंकि इस एस प्लस थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, एस प्लस थ्री इंटू एस प्लस थ्री. जीरोज की वैल्यू कितनी आई है, एक तो माइनस वन पे है और एक माइनस सिक्स पे है, ये जीरोज हैं. पोल कितने है मेरे, माइनस थ्री और माइनस थ्री पे. तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एस प्लेन पे, माइनस वन और माइनस सिक्स क्या है मेरे, जीरोज. तो माइनस वन कहाँ है, लेट मी चेंज द कलर, माइनस वन ये रहा, एक यहाँ गोला कर दोगे, एक तो जीरो यहाँ पे, दूसरा कहाँ है, माइनस सिक्स पे. तो माइनस सिक्स कहाँ आया होगा, यहाँ पे, ये माइनस फाइव, ये माइनस सिक्स, ये मेरा रिप्रेजेंटेड जीरो का. और मेरे पोल्स कहाँ है, माइनस थ्री, माइनस थ्री का है ये रहा. पोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस साइन से, तो ये रहा माइनस थ्री, इसको डबल क्रॉस करेंगे, क्यों, क्योंकि दो पोल्स है. सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट अ पोल एंड जीरो, और वो कैलकुलेट कहां से होता है, ट्रांसफर फंक्शन से, आउटपुट अपॉन इन. ओके, चलो ये तो हुआ, इसका आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, डिटेल में नहीं है. अगर आप क्वेश्चन पूछता है तो आप निकाल सकते हो कि पोल्स क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे, और उसको एस प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट. नाउ लेट्स डू सब एग्जांपल्स जिसमें आ सकता है आपके. सो ओके, फॉर द आरसी सर्किट, दिस इज द आरसी सर्किट, ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन वी नॉट बाय वी एस. ये वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड, और वी एस क्या है, इनपुट. बस ये निकालना है, तो सिंपल आप जानते हो कैसे निकालोगे. देखो ये सिंपल सर्किट है, सबसे पहले इसको एस डोमेन में कन्वर्ट कर लो या फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर लो, पहले एस डोमेन में कर लेते हैं. चलो सपोज आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेट मी चेंज दिस इन एस डोमेन. वी एस के और वी एस की वैल्यू कितनी है, वी एम कॉस ओमेगा टी है, या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में रखो अभी, है ना, एस डोमेन वाला हम आगे सवाल कर लेंगे. तो वी एस की वैल्यू है वी एम कॉस ओमेगा टी. तो अब मुझे बताओ, पहले वी नॉट, पहले इस सर्किट को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी एस टी को हमने वी एस लिख दिया, ओके, आर एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या हो जाता है, याद करो वन अपॉन सी एस हो जाता है, किसके अंदर, एस डोमेन के अंदर, एस की जगह पुट क्या करना है हमें, जे ओमेगा. तो वन अपॉन जे ओमेगा सी इज द इम्पिडेंस, दे रहा, वही तो लिखा है, ठीक है. अब मुझे वी नॉट निकालना है, तो वी नॉट वोल्टेज डिविजन रूल से निकल सकता है, वी नॉट विल बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज कितनी है, वी एस, और किसके क्रॉस निकालना है, वन अपॉन जे ओमेगा एस, जे ओमेगा सी, वन अपॉन जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस कितनी है, वन अपॉन जे ओमेगा सी प्लस आर. बस देखो यही तो किया है यहाँ पे, इसको रीअरेंज करो, मेरे पास ये आ जाएगा, दिस इज माई ट्रांसफर फंक्शन, यही तो बोला था इसने. इसने पूछा और इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, उसको प्लॉट भी करना है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्लॉट द फ्रीक्वेंसी दैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, है ना, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी. तो सबसे पहले ये आपका इस डोमेन में आ गया, ठीक है, लेट मी रब ऑल दिस. ओके, अब मुझे, अब ये एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में मुझे इसका इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और एंगल चाहिए, ये हम पोलर फॉर्म में देख चुके हैं कैसे निकालते हैं. तो देखो, जब भी ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन अपॉन
एच ओमेगा का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है ये रहा, दैट विल बी इक्वल टू 1/√1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा, जो जे टर्म के के अंदर होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये रहा। इसी को रीअरेंज किया मैंने और कुछ नहीं किया। 1 प्लस दैट विल बी इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस ये क्या है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ऊपर 1 है, 1 का मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहता है, खत्म। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज कैसे किया मैंने, 1 का स्क्वायर 1, इसको मैंने यूज किया है आपका ओमेगा एज इट इज रखा है, इसको मैंने 1/RC ले लिया है, ऐसे लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये तो ओमेगा हो गया। 1/RC को मैंने ले लिया, क्या ले लिया, ओमेगा नॉट ले लिया मैंने 1/RC को। तो देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट इज नथिंग बट 1/RC। ओके, ये तो मेरा हुआ इसका मैग्नीट्यूड। एंगल कैसे निकलता है, अगर एंगल आपको याद होगा तो ऊपर 1 है तो इसका एंगल तो 0 होता है, क्योंकि 1 प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस j 0। और एंगल कैसे निकालते हो, टेन इनवर्स बाय रियल इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस क्या है 0, डिवाइडेड बाय रियल एक्सिस क्या है 1, तो ये तो क्या 10 इनवर्स 0 हुआ, 10 इनवर्स 0 का एंगल कितना होता है 0, बस, तो ऊपर वाले का 0, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका एंगल कितना होगा, ऊपर वाले का एंगल 0 डिग्री हुआ, डिवाइडेड बाय इसका एंगल क्या होगा 10 इनवर्स, रियल पार्ट क्या है ओमेगा RC डिवाइडेड बाय 1। ओके, या फिर इसको मैं निकल लिख सकता हूँ ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, सिंपल। ये ऊपर जाएगा तो ये 10 इनवर्स नीचे था, यहाँ पे 10 इनवर्स नीचे था ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ये तो इसका हुआ पूरा नेट फाई क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं फाई विल बी इक्वल टू माइनस, ऊपर जाएगा तो एंगल माइनस हो जाता है, तो -10 इनवर्स। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको कैसे निकालना है पोलर फॉर्म के अंदर, इसलिए मैं बार बार फटाफट बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, वहां पे रिवाइज कर लेना कैसे निकाला। मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, ये रहा, और इसका एंगल भी निकाल लिया। अब मुझे प्लॉट करना है, प्लॉट किस में करना है वो देखते हैं। ओके, लेट मी रब दिस। ओके, नाउ प्लॉट दो तरीके करना है मुझे, एच और ओमेगा, यानी फ्रीक्वेंसी को, ओमेगा मेरी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा को वेरी करना है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक एंगल फाई, दो, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी प्लॉट। ओके, दिस इज कॉल्ड, अगर एग्जाम में आए कि भाई फ्रीक्वेंसी प्लॉट करो तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, एक तो ये निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, ये ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड इससे और फ्रीक्वेंसी। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, ओमेगा की वैल्यू चेंज करनी है, दो दो वैल्यू तो हमेशा लेनी है, ओमेगा की वैल्यू 0 और इन्फाइनाइट, इसके बीच में आप दो तीन वैल्यू और ले लो, जैसे 1 ले लिया, 100 ले लिया, 200 ले लिया, ऐसे करके आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, फिर प्लॉट कर लोगे। जैसे मैंने इसके अंदर वैल्यू ओमेगा की वैल्यू 0 पुट की, एक टेबल बनाई है, देखो ये ओमेगा बाय ओमेगा नॉट लिया है मैंने, क्योंकि हमारा इसके अंदर है, तो ओमेगा बाय ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 रखी है, तो अगर मैं 0 रखता हूं तो एच का मैग्नीट्यूड कितना आया, 1, देखो 0 पे मैग्नीट्यूड 1 हुआ है। और इनफाइनाइट देख लेते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट वैल्यू पुट करो, यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो एच की वैल्यू नो डाउट क्या आ जाएगी, 0, 1/इनफाइनाइट वैल्यू भी 0, तो 0 तक जा रहा है, ठीक है। दूसरा बीच की वैल्यू आप ले सकते हो, आप 2 ले लो, ठीक है, तो जैसे ही आपने 2 लिया, पॉइंट बेसिकली इसका, सॉरी 1 ले लो, वो ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1, तो दैट विल बी इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी, 1/√2, 1/√2 इज नथिंग बट 0.707, और किस पे आया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, बेसिकली 1 हो गई, ओमेगा की वैल्यू 1 हो गई, ओमेगा बाय ओमेगा नॉट 1, तो ओमेगा इज नथिंग बट 1/RC ओनली। तो देखो जब मेरी ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/RC है, तो मेरा मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1/√, ये देखो ये रहा 0.70, वही वाई और एक्स की तरह आपको प्लॉट करना है, दो तीन वैल्यू और ले लो, देखो ये ले लिया इसने, क्या लिया, 1 2 3, एक तो ये लिए, एक टेबल ये बना ली है इसने, दूसरी टेबल ये बनाई है, ठीक है, 3 तक ली, फिर 10 ली, 20 ली, 100 ली, इन्फाइनाइट, तो उससे देखो ये बन गया मेरा सर, ये दिस इज माई फ्रिक्वेंसी ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, और एंगल का, एंगल का ये रहा ओमेगा अपॉन फाई। फाई नीचे क्यों लिया, ऊपर क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो माइनस में है, तो माइनस मतलब नीचे वाली एक्सिस होगी, वाई एक्सिस मेरी माइनस में, तो जब मैंने ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करी पहले में, 10 इनवर्स 0 क्या होता है 0 डिग्री, यहीं से चालू होगा,
सिमिलरली ओमेगा नॉट की वैल्यू मैंने रेशियो ओमेगा नॉट बाय वन का वन लिया है, तब एंगल कितना आया -45, क्योंकि टेन इनवर्स वन कितना होता है 45 डिग्री, -45 ये रहा यहाँ पे, -90 एंड सो ऑन. दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट ये इन्फाइनाइट पे. ओके ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इन्फाइनाइट, टेन इनवर्स इन्फाइनाइट कब होता है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे ये इन्फाइनाइट, यहाँ पे होगा इन्फाइनाइट और ये चलता जाएगा यूं. So this is my magnitude plot and this is my angle plot and this whole plot दोनों को combine के हम frequency plot कहते हैं. एक example और कर लेते हैं, जैसे इसका अगर basically frequency plot अगर कहता है तो करना है, बाकी अगर नहीं कह रहा तो मत करना. Okay? इसने कहा है इट्स फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आपको कैलकुलेट करनी है, तो मतलब ये बनाना है. ओके नाउ नेक्स्ट, फॉर द सर्किट इन फिगर कैलकुलेट द गेन आई नॉट बाय आई, आई नॉट बाय आई गेन पूछा है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन ही पूछा है दिस, और ये आपका बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप इसको चेंज करना है. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसको किस में चेंज कर दो, एस डोमेन में. तो ये क्या बन जाएगा आई वन एस. ओके रेजिस्टेंस तो एज इट इज रहेगा, ये क्या बन जाएगा एस एल, एस एल का मतलब हो जाता है 2S डिवाइडेड बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर कितना है 1/CS आ जाएगा, तो 1/CS मतलब 0.5S, और ये इसके अंदर करंट मैंने मान लिया आई नॉट बाय एस, और मुझे क्या निकालना है आई नॉट एस बाय आई वन एस. तो आप यहां पे करंट कितना जा रहा है आई वन एस, ये नोड पे आई नॉट एस करंट डिवीजन रूल से निकाल सकते हो, आई नॉट एस की वैल्यू क्या होगी, इनपुट करंट कितना है आई वन एस इनटू इंपेडेंस, कौन सी लेते हैं ये निकाला तो उसके अपोजिट वाले, इसके इसका इंपेडेंस क्या होगा सिंपल सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे 4+2S, 4+2S डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस, टोटल इंपेडेंस क्या होगा 4+2S प्लस 1/0.5S. ये आ गया, तो इसको एस जैसे रीअरेंज करोगे तो मेरे पास ये आ जाएगा. ओके ठीक है, एस डायरेक्ट एस में लिख लिया मैंने, और अगर इसने कहा आई आई नॉट ओमेगा और आई वन जे ओमेगा में करो, तो एस की जगह क्या पुट करना है आपको, जे ओमेगा पुट करना है, जे ओमेगा पुट करो, ये आ गया. ठीक है, अब इसने पूछा फाइंड इट्स पोल्स एंड जीरो, पोल्स एंड जीरो तो किससे आएगा एस डोमेन से आएगा, तो पोल्स कौन से होते हैं एस स्क्वायर प्लस 2S प्लस 1 को जीरो पुट करो तो क्या निकलेंगे पोल्स, और न्यूमरेटर को जीरो पुट करोगे तो क्या निकलेंगे जीरोस, तो जीरोस देखो क्या होगा एस की वैल्यू क्या है जीरो, और इसके एस प्लस टू को जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस टू, तो दो पोल दो जीरोस हैं जेड जिसकी वैल्यू क्या है जीरो पे और माइनस टू पे. सिमिलरली इसको पुट करो नीचे, इसको हम क्या लिख सकते हैं एस प्लस वन का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर से कितने पोल्स हैं दो पोल्स हैं और दोनों दोनों कहां पे माइनस वन पे, देख लो इसके रूट्स, अगर इसको प्लॉट करना तो प्लॉट भी कर सकते हो. ओके दिस इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड एस डोमेन. ओके तो ये एस डोमेन वाला बहुत फायदा है, आप बिना सोचे समझे कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपको इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं जहां पे कैपेसिटर और इंडक्टर इन्वॉल्व है, तो आप सीधा सीधा उसको किस में चेंज कर दो एस डोमेन के अंदर पूरे सर्किट को. ओके चलो जैसे ये एग्जांपल कर लेते हैं, एक द आउटपुट ऑफ द लीनियर सिस्टम इज दिस, एक आउटपुट लीनियर सिस्टम है, दिस इज माय एक लीनियर सिस्टम है जिसका आउटपुट है वाई ऑफ टी. ओके व्हेन द इनपुट इज एक्स ऑफ टी, इनपुट एक्स ऑफ टी है ये लीनियर सिस्टम का, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम एंड इट्स इंपल्स रेस्पॉन्स. ओके ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या होता है, वाई ऑफ टी अपॉन एक्स ऑफ टी, तो ओके लाइट चली गई है शायद, मैंने मोबाइल से अभी एंटर किया है, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट जो आपने जो एग्जांपल है, दो तीन एग्जांपल बचे थे, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है, वो तीन एग्जांपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ही हैं, ट्रांसफर फंक्शन के ही. सो यहाँ पे आपका ट्रांसफर फंक्शन खत्म हो जाता है.
फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में दो तीन एग्जांपल कर लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर एस डोमेन में, और साथ में सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस चालू कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वो खत्म होने के बाद में सिर्फ आपका फिर एक यूनिट बचेगा लास्ट, कौन सा? दैट इज टू पोर्ट नेटवर्क। वो भी इजी है, वो तो सबसे इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक यूनिट बचा आपका। ओके सो ये रिकॉर्डेड हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसकी बेसिकली अभी जो वीडियो है अभी अपलोड कर दूंगा, तो वहां पे आप इसको रिवाइज कर लेना। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट में जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें 70 to 80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व हो जाते हैं इजीली। ओके सो लेट मी टेक योर अटेंडेंस। हरिदत्त व्यास, हर्ष पटेड़िया, हर्ष गौतम, यस सर, हर्ष गौतम। ओके, हर्ष कुमार अलोरिया, यस सर, प्रेजेंट ओके, हर्षिता शर्मा, सर, ओके, हेमलता, प्रेजेंट सर, ओके, हिमांशु चौधरी, हिमांशु सिंह, ईशान, प्रेजेंट सर, ईशु शर्मा, प्रेजेंट सर, ओके, जयवर्धन, जयंत यादव, जयश्री, यस सर, ओके, जूही, सर, ओके, ज्योतिर्मय, कमल, काव्या यस सर, जैन, कमल मीणा, ओके, काव्या जैन, यस ओके, काव्य सिंगल, सर, ओके, खुश शर्मा, खुशबू, यस सर, ओके, कृष्ण चंद्र, कुणाल, प्रेजेंट सर, ओके, लहर, यस सर, ओके, लक्ष्य बत्रा, ओके, प्रेजेंट सर, लक्ष्य शर्मा, प्रेजेंट सर, ओके, लोकेंद्र कुमार, महेंद्र जांगिड़, मनीष कुमार गंगे, मनीष कुमावत, प्रेजेंट सर, ओके, मानसी, मानविंदर, यस सर, ओके, मयंक जिंदल, प्रेजेंट सर, ओके, मयंक रत्नाकर, प्रेजेंट सर, ओके, मोहम्मद अमान, मोहित बुगालिया, मोहित शर्मा, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट ओके, मुकुल आनंद, सर, ओके, मुकुल जायसवाल, ओके, प्रेजेंट सर, नायशा गुप्ता, प्रेजेंट सर, ओके, नवीन जडवाल, प्रेजेंट सर, ओके, नीरज चौधरी, नीरज कुमावत, प्रेजेंट सर, ओके, नेहा, निशांत, निशांत प्रसाद, प्रेजेंट प्रेजेंट सर, ओके, निशी, प्रेजेंट सर, ओके, नितिन बैरवा, नीतीश सिंह, प्रेजेंट सर, ओके, नित्य लांबा, परीक्षित रावत, प्रेजेंट सर, ओके, परिणीता, यस सर, ओके, पारुल, प्रेजेंट सर, ओके, पीयूष चौधरी, प्रेजेंट सर, ओके, पीयूष जंगेड़, यस सर, ओके, पीयूष माथुर, प्रखर, प्रणय, यस सर, ओके, प्रतीक शर्मा, प्रेजेंट सर, ओके, प्रवर, यस सर, ओके, प्रवीण कुमावत, प्रयाग गोयल, यस सर, ओके, प्रियाम, ओके, प्रेजेंट सर, पुलकित पूनिया, पुलकित
पुलकित सोनी प्रेजेंट सर ओके पुनीत यस सर ओके पुष्पेंद्र प्रेजेंट सर ओके यू कैन लीव सर हरिदत्त व्यास प्रेजेंट हरिदत्त व्यास ठीक है लगा दी थैंक यू सर